लोकसभा चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में 45 घंटे का ध्यान जारी है। पीएम मोदी इस शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। भारत के सुदूर दक्षिण तट कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री का ध्यान मग्न है। प्रधानमंत्री कल फाइनल वोटिंग के दिन तक ध्यान में रहेंगे। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलाने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिस कर्मियों का दल तैनात रहेगा और विभिन्न सुरक्षा एजेंसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे। आपको बता दें, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी यानी वो स्थान जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का भी मिलन बिंदु है। विवेकानंद से प्रभावित प्रधानमंत्री 70 से ज्यादा दिनों तक चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद गुरुवार शाम उस ऐतिहासिक जगह पहुंचे जहां विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला था। लोकसभा चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में 45 घंटे का ध्यान जारी है। पीएम मोदी इस शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। भारत के सुदूर दक्षिण तट कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री का ध्यान मग्न है। प्रधानमंत्री कल फाइनल वोटिंग के दिन तक ध्यान में रहेंगे। अपने 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल आहार लेंगे और इस दौरान वह केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन ही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन व्रत का पालन भी करेंगे और ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं पीएम मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत सभी इंतजाम किए गए हैं। शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलाने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिस कर्मियों का दल तैनात रहेगा और विभिन्न सुरक्षा एजेंसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगी। आपको बता दें, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी यानी वो स्थान जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का भी मिलन बिंदु है। विवेकानंद से प्रभावित प्रधानमंत्री 70 से ज्यादा दिनों तक चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद गुरुवार शाम उस ऐतिहासिक जगह पहुंचे जहां विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला था।